दोस्तों नमस्कार प्रणाम आप सभी को, मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गौरव पांडे पर। तो दोस्तों चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरे ब्लॉग की शुरुआत, जैसे कि आप सभी को पता है, मंदिर से होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी ने पूजा कर ली है और भाई हमेशा की जैसे आप लवर और मम्मी यहाँ पे अभी किचन में हरी सब्जी लेके आई है। तो चलिए फिर अब मौसम का अपडेट देते हैं। तो चलिए उसके लिए आपको हमारे जिम्मी के पास चलना होगा, वहीं से आपको अपडेट मिलेगा कि आज द्वारहट का मौसम कैसा है करके। नहीं, अपने जिम्मी के पास। और आप मेरे लुक को आज देख सकते हैं, मैंने अपनी हेयर कटिंग करवा ली है जो कि बहुत गंदे लग रहे थे कल तक। कर सकते हैं आज आप मेरा लुक कैसा लग रहा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जिम्मी आज पेड़ों के नीचे बड़े ही प्यार से बैठा है। ये देख सकते हैं आप मेरे जिम्मी को यहाँ पे हुआ है। इसको सुबह सुबह ही नींद लगनी शुरू हो जाती है। तो चलिए फिर हम मौसम का अपडेट दे ही देते हैं सकते हैं। एकदम मौसम साफ है, हल्के बादल लगे हुए हैं, बट धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज है। तो चलिए तो फाइनली मौसम का अपडेट आपको आज मिल ही चुका है। आज मौसम साफ है, एकदम तेज़ धूप है, क्योंकि कल नाइट पे यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई थी। हमारे यहाँ पे दो वाटरफॉल आते हैं जो कि आ चुके हैं, तो अगर हो सकेगा तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा, बट प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। फाइनली अब अंदर चलते हैं। आज द्वाराहाट में लाइट नहीं रहने की न्यूज़ मिल चुकी है, तो थोड़ा चार्ज कम है, तो फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी हरी सब्जी को बीनते हुए। तो फाइनली दोस्तों फोन चार्ज हो चुका है, तो अब यहाँ पे लाइट नहीं है, जो कि पहले अलर्ट हो चुका था 10 बजे शाम 5 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। तो अब फोन मैंने चार्ज कर लिया है, तो अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, बस कुछ टाइम बाद अब खाने की तैयारी। हाल अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, के बाद मम्मी यहाँ पे से आवाज देते हुए हमें क्या है आंटी को चलेगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहीं पे पड़ोस वाली आंटी ने हमें कटोरे में कुछ दिया हुआ था, तो उनका कटोरा वापस लेने चलते हैं। आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें ब्लॉग पे। तो फाइनली आ चुके हैं, नहीं कटोरा ही देना था। कटोरा देने के बाद अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी जैसे हम अंदर बैठे हुए थे, तो यहाँ पे बंदरों ने आतंक फैला दिया है। आप दांत दिखा रहे, आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मंकी है मेरे पीछे। आप देख सकते हैं ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं गाइस, कुछ भी नहीं। हमारी थोड़ा लौकियाँ लग रही हैं, ये सब अटैक करके डायरेक्टली यहीं आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे को साथ में लेते आते हुए बंदर। आधा पहाड़ तो इन्होंने ही बंजर कर दिया है दोस्तों। हमारी जितनी छत पर लौकियाँ लगी हुई हैं सब खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। मेरा जिम्मी हमेशा अपनी निगरानी बनाते हुए, देखिए मेरा जिम्मी यहाँ पर हमेशा रेडी रहता है बंदरों को भगाने के लिए। तो बंदर भगाते भगाते मुझे लगा क्या पता मेरे फ़ोन से ना दिखे आपको वाटरफॉल, बट मेरे फ़ोन से दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा। यहाँ पे से आप देख सकते हैं वाटरफॉल। हमने जो गाँव दिख रहा है ये घगलोड़ी गाँव है द्वाराहाट का, तो इसी के जस्ट ऊपर ये वाटरफॉल है। ये कल नाइट पे जो बारिश हुई है उसी से ये वाटरफॉल आज इतनी जल्दी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी अभी मेरी नज़र कल की बारिश से हुए नुकसान पे गई, तो हमारा भी अभी भी मम्मी खेत पे गई हुई थी, तो हमने भी जिस डंडी या जिस थंगरे में, थंगरा बोला जाता है उसे, लौकी की बेल डाली थी, तो वो भी टूट चुका है। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये डंडा है, ये टूट चुका है, ये ठंगरा जो टूट चुका है, और बेल हमारी आधी में लटक चुकी है। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वो ठंगरा है और ये आधे में से लटक चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी बेल आधे में से ऊपर पेड़ में गई हुई बेल को कल की बारिश ने यहाँ पे ऐसा नुकसान पहुँचाया हुआ है। इसमें छोटी छोटी ककड़ियाँ लग रही हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अभी अभी आप देख सकते हैं मम्मी के हाथ में ककड़ी, क्योंकि ककड़ी तोड़ दी है क्योंकि इस पे दाग लग चुका था, फिर इसके सड़ने का डर रहता है, इसलिए मम्मी ने इसे छोटा ही तोड़ दिया। तो अभी छोटी छोटी ककड़ियाँ लगनी शुरुआत हो चुकी है, बट बारिश के आतंक से सब खत्म हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे छतों की रेलिंगों में बैठ बैठ के यहाँ की सारी सब्जियाँ खाते हैं, इनका आतंक चारों तरफ फैल रहा है। तो आप देख सकते हैं हर घर की छत पर आपको बंदर दिखेंगे, कहीं पर बच्चे के साथ तो कहीं पर
रामू बंदर आए मुझे गिरा दिया तूने। आए मैं सो जाता हूँ यहाँ पे। अरे 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 ऐसे क्यों कर रहा है तू? अरे मुझे सोने देना यार। अरे खेल ले भाई मजा आता है बड़ा। अरे कई दिनों से तो आज मौका मिला है कोई नहीं है बाहर से। अरे उदंग मचाएंगे चल 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 वे चल। अबे यार सोने नहीं देता। अरे क्यों सोने दूंगा भाई मैं तेरे को ऐसे कैसे सोना। अरे चल ना भाई खेलते हैं। अरे कोई नहीं है बाहर आज अपना ही है सारा एरिया। देख सकते हैं सुबह की धूप और अभी अभी मौसम में कितना चेंजेस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे बारिश आ गई है तो अब ये बंदर हमारी सारी सब्जियाँ जितनी लगी हुई हैं तो सब ये खाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ ही बंदर ही बंदर फैले हुए हैं आज। और मौसम आप देख सकते हैं एकदम से कितना चेंज हो चुका है जिसके आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे बंदर आ चुके हैं। तो मम्मी यहाँ पे बोल रही है खाने के लिए। तो मम्मी बोल रही है कि आज एक एक करके खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मम्मी और भैया खाएंगे उसके बाद मैं पहले तब तक बंदर देखूंगा उसके बाद मेरा टर्न आएगा। तो ऐसी होती पहाड़ों की लाइफ। आप देख सकते हैं कि एक बंदर के लिए मुझे साथ में खाना छोड़ना पड़ रहा है। तो बारिश आ चुकी है तो जिम्मी को अंदर बांधना पड़ेगा और मुझे छाता लेके छत में आना पड़ेगा। तो चलिए इसको अंदर बांधते हैं और मैं यहाँ पे डॉगी का काम करूँगा छत पे आके। तो फिर मिलते हैं आपसे। देखते हैं दोस्तों कितने ज़ोर से ऊपर से बारिश आते हुए आपको दिख रही है। हल्का शेडो आपको जो दिख रहा है ये बारिश का शेडो है। ये बारिश बहुत तगड़ी आ रही है। तो अब ये धीरे 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 हमारे साइड को बढ़ते हुए तो देख सकते हैं आप ये आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ ये बारिश आ चुकी है। और ऐसी पहाड़ों पर सब्ज़ी नहीं खाई जाती है बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़ोर से बारिश आ रही है। मम्मी और भैया ने खाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बर्तनों की बजने की आवाज़ आ चुकी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत फिर मुझे ऊपर ही आना होगा क्योंकि बंदर कभी भी आ सकते हैं। इसलिए मैं अंदर पहुँच चुका हूँ। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे मम्मी और भैया यहाँ पे खाने लग गए हैं। पे आज बड़ी बनी हुई है और यहाँ पे चावल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मम्मी और भैया ने खाना शुरू ही कर दिया है। तो मैं इसके बाद खाऊंगा जब मम्मी और भैया खा लेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं हमने तो बंदरों को देखना है। तो चलिए फिर बारिश के आते हुए अभी बंदर सब यहाँ पे है नहीं तो लगता है मुझे भी खा लेना चाहिए। तो बंदर आ चुका हूँ। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चावल और बड़ी आ चुकी है। तो चलिए फिर आपको खा के मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने खाना खा लिया है। तो अभी जो है मम्मी यहाँ पे जिम्मी के लिए खाना रख रही है और भाई यहाँ पे खाना खाने के बाद आराम से लेट के फ़ोन चलाते हुए आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली गाइस थोड़ा सोने के बाद अब उठ चुके हैं और यहाँ पे मम्मी चाय पीते हुए आपको दिख रही हैं। तो मुझे भी अब थोड़ा भूख लगी गई है। तो मेरा कल का बचा हुआ केक है थोड़ा तो मैं उसे खाता हूँ। तो दोस्तों ये केक है पर थोड़ा ज़्यादा है मुझे अच्छा लगता है मैं खा लेता हूँ। तो कल बच गया था तो मैंने कि कल सुबह खाऊँगा। तो अब खाते हैं। देख सकते हैं मैंने सारा केक खा लिया है। दोस्तों अभी आप सुन सकते हैं यहाँ पे हमारा जिम्मी खुद अपने को बाहर निकालने के लिए हिंट दे रहा है। होगी वो आवाज़ जिससे वो हिंट दे रहा है कि मुझे बाहर निकाल। तो चलते हैं फिर। अब उससे घुमाने का टाइम भी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं अब धूप नहीं है। तो चलिए फिर इसे घुमाने ले चलते हैं। देख सकते हैं घर के लिए चलते हुए जिम्मी उसे छत को निहारता हुआ देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी दोस्तों आप देख प्यारा सा डॉगी हमारी आ सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर आते हुए और वहाँ पे से हमारे जिम्मी देख सकते हैं आप। नहीं तो आप देख सकते हैं दोनों डॉगियों को और यहाँ पे से जिम्मी और देख सकते हैं कि वो कितनी पावर लगाए हुए हैं। ओहो इसने क्या ही पोज दे दी यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रिलैक्स होकर बैठ चुका है ये। ये दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों जने फ्रेंड बन चुके हैं। तो दोस्तों अब फाइनली हम भी घूम लेते हैं थोड़ा बहुत।
तो फाइनली दोस्तों घूम के अंदर आ चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।